वेलकम स्टूडेंट्स, आने वाले कुछ एक मिनट के अंदर मैं आपके फायदे की बात को लेकर हाजिर हुआ हूँ। आप 10th क्लास पास आउट हो चुके हैं और आप सर्चिंग में कि आप JEE मेंस और नेट की तैयारी करें। आने वाला एक मिनट आपके इस फायदों को लेकर आया कि कई बार क्लास लगाते समय हम कुछ बातों की इंक्वायरी करना भूल जाते हैं। जहां भी आप क्लास ज्वाइन करें, इन बातों के बारे में डिस्कशन जरूर करें। क्लास पहला पॉइंट ये आता है कि जहां भी आप क्लास लगा रहे हैं वहां का पर्सन पढ़ाने वाला एक्सपीरियंस पर्सन है या नहीं, वहां सेपरेट स्टेट बोर्ड के लेक्चर पे बात की जाती है या नहीं की जाती, क्या वहां CBSE बोर्ड सेपरेट है या स्टेट बोर्ड के साथ में मर्ज है। NCERT का कवरेज नीट और JEE मेंस के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, पर क्या वहां पर NCERT पर पूरी तरह से ध्यान दिया जाएगा क्या? आपको यह पूछना है क्या JEE मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपके टीचर ऑनेस्टली JEE मेंस के क्वेश्चन क्लास में लेंगे क्या? आप ये पूछिए कि अगर आप नीट की एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो क्या नीट के एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप वर्कआउट करते हैं? आपको यह भी जानना होगा इन क्वेश्चन के साथ साथ कि आपका महाराष्ट्र CET एग्जामिनेशन, जो महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कितना उस पर ध्यान दिया जाता है। हैंडराइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप 12th के एग्जाम में अपेयर होते हैं तो आपके लिखने की आदत पर कितना ध्यान दिया जाता है, क्या टेस्टिंग ली जाती है, क्या आपको लिखने की आदत डेवलप करवाई जाती है, आपको वीडियो सॉल्यूशन मिलता है क्या टेस्ट का, जिस टेस्ट को आप देते हैं जब एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं और टेस्ट देने के बाद आप डाउट क्लियर करते हैं तो कितना ध्यान रखा जाता है, क्या आप जिस कोचिंग को ज्वाइन करने जा रहे हैं वहां पर NCERT के एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पलर्स के प्रॉब्लम सॉल्व करवाए जाते हैं क्या। डाउट डिस्कशन और पर्सनल अटेंशन बच्चों की जिंदगी बदलता है, तो आप जिस जगह पर ज्वाइन हो रहे हैं वहां पर इस बात का कितना ध्यान रखा जाएगा कि बच्चे को पढ़ाना जरूरी है या बदलना जरूरी है। बस इतना ही कहूंगा, इन बातों पर ध्यान दीजिए, गौर कीजिए और जहां पर भी आपको ऐसा लगता है कि ये सब चीजें हो रही है वहां ज्वाइन कीजिए। और रही बात हमारी एकेडमी की, तो ये चीज डेफिनेटली यहां पर फोकस की जाती है, इसलिए मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने के लिए कह रहा हूं, सोचने के लिए कह रहा हूं। माय डियर स्टूडेंट, एक गलत डिसीजन आपकी पूरी लाइफ अफेक्ट कर सकता है, खासकर 11th स्टैंडर्ड में लिया गया गलत डिसीजन आपको खामियाजा भुगतना पड़ेगा 12th और आने वाले फ्यूचर के लिए। सोच समझ के निर्णय लीजिए क्योंकि आप समझदार और आप बुद्धिमान है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पुरोहित एकेडमी, मेन ब्रांच, प्रभात चौक, MJ कॉलेज रोड, लोकमान्य हॉस्पिटल च्या बाजूला, जळगाव आणि पांडे क्लासेस जवळ, बंधन बँकेशेजारी, ट्रॅफिक गार्डन च्या समोर, जळगाव।